अहम के चक्रव्यूह से निकला भगवान का रथ। नमस्ते उदयपुर, उदयपुर टुडे के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध शहर की आस्था के केंद्र जगदीश मंदिर के रथ यात्रा की। 25 जून को प्रतिवर्ष की भांति भगवान जगदीश शहर भ्रमण को निकलेंगे। पूरी के तर्ज पर निकले जाने वाली इस यात्रा के हजारों शहरवासी साक्षी होंगे। आस्था एवं भक्ति के बीच एक विवाद प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है और वो है दो रथ में से किस रथ को आगे रखा जाए। एक और प्राचीन इतिहास का साक्षी मूल जगदीश मंदिर का रथ है तो दूसरी तरफ कुछ वर्षों पूर्व निर्मित सेक्टर 7 का रथ आगे पीछे रखने का विवाद आम भक्त जनों को रास नहीं आ रहा। इसलिए जब जनता ने अपनी भावना को उदयपुर टुडे तक पहुंचाया तो हमारी टीम ने फील्ड में जाकर जनता की भावनाओं को जानने एवं परखने का निर्णय किया। जब उदयपुर टुडे की टीम ने रथ यात्रा से जुड़े लोगों एवं आम भक्तों से उनकी राय जानना चाही तो भक्तों का यही कहना था कि संपूर्ण शहर के सहयोग से निकाले जाने वाली इस यात्रा का कुछ लोग अनावश्यक रूप से अपना हित साध कर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे आकलन में शहर की 92% जनता ने भगवान जगदीश के मूल रथ को आगे रखने की बात कही है। उदयपुर टुडे आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं से यही अपील करता है कि जन भावनाओं का सम्मान कर रथ यात्रा की पवित्रता को बरकरार रखे और रथ अहम के चक्रव्यूह से बाहर ही रहे। जय जगदीश। जितने भी समाज संगठन रहते हैं इनकी भावनाओं के अनुरूप ये रथ यात्रा निकले, ऐसा प्रयास के लिए समन्वय समिति बनी थी और समन्वय समिति का निर्णय ये रहा कि हमेशा जो रथ यात्रा निकलती है उसी प्रकार ये रथ यात्रा निकलेगी। जगदीश भगवान से निकलने वाली रथ यात्रा से पूर्व उदयपुर में जो भी अंदरूनी क्षेत्र की जागिया है, समाज संगठन है, वो जगदीश मंदिर की रथ यात्रा के साथ अपनी जागिया रखेंगे और उपनगरीय क्षेत्र से जो रथ यात्रा आती है सेक्टर नंबर 7 जगन्नाथ धाम मंदिर से, उसके लिए जो बाहरी क्षेत्र के जो जागिया आती है वो उपनगरीय क्षेत्र से आने वाला रथ यात्रा है। यहाँ से 3 बजे रवाना होगी रथ यात्रा और यहाँ जगदीश मंदिर पहुँचेंगे। उपनगरीय क्षेत्र की रथ यात्रा भी जगदीश मंदिर पहुँचेगी और वहाँ से ये संतोषी माता मंदिर तक पहुँचेगी। संतोषी माता मंदिर के बाद में जगदीश मंदिर का रथ मंडी होकर स्थल मंदिर और आरंभी होकर कालाजी के दरवाजे से पुनः जगदीश मंदिर पहुँचेगा। संतोषी माता मंदिर से ही उपनगरीय क्षेत्र की जो रथ यात्रा है वो बापू बाजार में महा आरती करती हुई सेक्टर नंबर 7 जगन्नाथ धाम मंदिर पहुँचेगी। इसके लिए सभी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और इसमें सबकी सहमति बराबर हो गई है। अब किसी प्रकार का कोई विवाद इस रथ यात्रा में नहीं रहा है। 25 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जिसकी पूर्णता तैयारियां चल रही है और तैयारियां कर ली गई है, इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि रूट के बारे में हमेशा विवाद क्यों उठता है। रूट के विवाद इसलिए उठता है कि कुछ लोग इसको व्यवसायीकरण करना चाहते हैं और हम रथ समिति वाले नहीं चाहते हैं कि इसका व्यवसायीकरण हो और इस व्यवसायीकरण में ये माँ आरती जैसे आयोजन या इस तरीके के बहुत से आयोजन करते हैं, हमने उनका विरोध किया है। इस साल अभी कल ही एक समझौता हुआ है जिस पर उन्होंने लिख के दिया है कि माँ आरती हम वहाँ नहीं करेंगे और यहाँ से जगन्नाथ स्वामी का जो रथ निकलेगा जगदीश चौक से आरंभ होकर जो पूर्णतः रूट है जगदीश चौक से घंटाघर बड़ा बाजार दान मंडी जीनी रेत का चौक आरएमबी होता हुआ पूर्ण जगदीश चौक पहुँचेगा और उसमें जो सेक्टर 7 की झांकी आती है जो अपने आप को रथ महसूस कराना चाहते हैं झांकी के रूप में आते हैं, उन्होंने रथ बनाया उससे भी हमें भगवान का काम है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अब के हमें विश्वास दिलाया है कि हम संतोषी माता मंदिर से चले जाएंगे और संतोषी माता से बापू बाजार जाएंगे, हम महा आरती वहाँ करेंगे। लेकिन वो भी वही उन का बिजनेस का रूप है, व्यवसायीकरण है सारा उसका, हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो उधर करते हैं तो हमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। और भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो रथ समिति जो तह दिल से और तह मन से काम करती है वो काम उन लोगों की क्षमता उतनी नहीं है। हम तो कम से कम 1 माह से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और रथ को अभी उतार के पूरा साफ कर लिया है, रथ तैयार हो गया होने को आ गया है और उसके पहले 24 तारीख को भगवान जगन्नाथ स्वामी की एक शाम जगन्नाथ के नाम भी होगी, वो भी स्थानीय जगदीश चौक पर ही होगी। और कुछ लोग इसको भगवान जगन्नाथ का मंदिर सेक्टर 7 में बना है कोई बात नहीं, वो भी ठाकुर जी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको उस तरीके से मत लो। ठाकुर जी तो जो ठाकुर जी हैं वही रहेंगे, आप हमारा पावणा मरने आया और पावणा रूप में रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको आप गलत तरीके से चलते हो। इस बार हमने उस रथ में उसमें थोड़ा सुधार करके ये गया, गत वर्ष जो झांकियाँ थी वो हमने
पाँच या सात आगे रखी थी। इस समय हम कम से कम 30 झांकियों को आगे ले रहे हैं, उसके बाद रथ रहेगा, फिर साईं बाबा की एक झांकी रहेगी और साईं बाबा के बाद में उनका सेक्टर सात का रथ रहेगा। एक्चुअल में हुआ ये है कि आगामी 25 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा के लिए जगदीश चौक से मुख्य रूप से रथ यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ समय से जो सेक्टर सात से रथ आता था, पहले फर्स्ट टाइम जो वो रथ आया था तो एक ठेला गाड़ी में आया था, दूसरी बार ऊंट गाड़ी में लेके आया, तीसरी बार इन्होंने रथ बना दिया। जनता में उन्होंने ऐसा मैसेज दिया, उन लोगों ने जिस तरह से भ्रमित किया जनता को कि ये मूल प्रतिमा मूल रथ ऐसा करके हमारे जगदीश ठाकुर जी के प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया। हमने उनको कहा आप झांकी के स्वरूप में पधार रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा झांकी आए थे झांकियों के रूप में आ गए, और ठाकुर जी का रथ एक ही होता है, वो भगवान जगदीश का है। और जिस तरह से इन्होंने भ्रांतियाँ फैला के कोशिश की और इसको रथ को आगे पीछे लेने की बात की, रथ को आगे रख के इस तरह से गलत गलत बातें जनता में जाए, ठीक नहीं लगता है, हिंदू समाज के लिए आघात है ये। और हर आदमी यही चाहता है कि वो झांकी है और झांकी को झांकी के स्थान पर रहना चाहिए, और कोई उसमें शामिल हो रहा है तो भगवान जगदीश की रथ यात्रा है उसमें शामिल होता है, तो जगदीश भगवान की मर्यादा के अनुरूप आना पड़ेगा। जिस जगह उनको खड़ा कराए रथ समिति तो उनको उसी जगह खड़ा रहना पड़ेगा, और इस तरह से गलत मैसेज देके जो भावनाएं और रथ यात्रा का मार्ग जो बदलने की बात कही, क्योंकि ये रथ यात्रा नगर भ्रमण है, कोई जुलूस नहीं है। नगर भ्रमण के लिए रहता है तो ठाकुर शहर के कोर्ट के अंदर भ्रमण करें, जहाँ दर्शनार्थी रो भक्तजन वैष्णवजन जहाँ रहते हैं उनकी आ भगत करते हैं। पिछले 20-25 वर्षों से जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोग विभिन्न प्रकार की बातें करके इस तरह से कहते हैं कि सकड़ा रास्ता है, ऐसी कोई बात है नहीं, 25 साल से कोई तकलीफ हुई नहीं है। अब ये जो बातें उठती है वो सब गलत है, और लोगों को बनाया जाता है कि ये रथ यात्रा मार्ग चेंज करेंगे। चेंज करने का अर्थ ये है कि ट्रैफिक जाम करना, प्रशासन को तकलीफ देना, और जनता को ज़्यादा तकलीफ होती है, भक्त दिक्कत आती है भक्तों को, इसलिए हमने इसको पहले भी मना कर दिया और इस बार भी मना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पारंपरिक रथ यात्रा मार्ग बना हुआ है उसी से चलता है, जिससे एक हिंदू समाज संगठित रूप में दिखे और जनता में एक ऐसा मैसेज जाए रथ यात्रा के माध्यम से कि हिंदू समाज एकत्रित है। नहीं, रथ बिल्कुल उसी स्थिति में चलेगा जिस तरह से प्रशासन ने तय किया है कि सारी झांकियाँ निकल जाएगी, उसके बाद भगवान जगदीश का रथ रहेगा, उसके पीछे सेक्टर 7 से आने वाली झांकी रहेगी। लगभग 50 झांकियों की इस बार हमने चर्चा की है, वो 50 झांकियों से ज़्यादा उसमें हम उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। और सारी झांकियाँ, हम तो मैं आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब समाज अपनी रेवाड़ी लेके आवे और एक जो अपनी मेवाड़ी परंपरा है उसमें आएंगे, ठेला गाड़ी में आएंगे, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा और एक मेवाड़ी लुक दिखेगा, उसमें एक अलग तरीके की इसी रथ यात्रा की शोभा बढ़ेगी। हाँ, मेन तो जगन्नाथ स्वामी का रथ जो जगदीश चौक से निकलता है वही मेन रथ है, और रथ हमेशा पीछे होना चाहिए और जो झांकियाँ हैं वो आगे होनी चाहिए, क्योंकि लोग खास जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए ही वो खड़े रहते हैं, इसलिए है जो झांकियाँ आगे निकल जाए और उसके बाद है जो रथ पीछे रहे, मेन तो वही रथ है। ये तो इसके अंदर राजनीतिकरण का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इसकी रथ यात्रा को निकलते निकलते 20-25 साल हो गए हैं, तब से दिन पे दिन इसका विस्तार ही हो रहा है और अधिक से अधिक लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और बड़ा उदयपुर का ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो गया है। नहीं, मेन रथ तो पीछे ही होना चाहिए और झांकी आगे होनी चाहिए, कि एक ही रथ है और एक ही पूरा मेवाड़ का जो ये मेन मंदिर है जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर है वो अपने आप में बहुत ही विख्यात मंदिर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और मेन मेरे हिसाब से तो मेन रथ पीछे होना चाहिए और झांकी आगे होनी चाहिए। दूसरा कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी वो नहीं है, दूसरी सभी झांकियाँ हैं, मेन रथ वही जो जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर रथ है, चाहे रजत मंदिर है, वही रहना चाहिए। इसके अंदर मैं धर्म के मामले में राजनीतिकरण को पसंद नहीं करता।